पर आप मैगी के रेट देख सकते हो भाई। इसका कमाल है ये पूंछ की, इधर हमारी जो बहन है ना वो नहीं पूंछ सकती। शादी के पहले बकरों के जरा भी पास नहीं जाती थी, अभी देखो। रूमी हाउस द जोश। भाई मुन्नी को ऊपर लेके जाना है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूमीज वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? बहुत ज़्यादा सॉरी, मैं आपको बहुत वेट करा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं अभी बहुत बिजी थी अपने एग्ज़ाम्स में। तो फाइनली अभी मैं गुलमर्ग वाला व्लॉग आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो ये है, हम लोग गोंडोला राइड से गुलमर्ग के फेज़ वन में पहुँच गए थे और यहाँ की खूबसूरती तो आप देख ही सकते हो। ये सब तो हम लोग फिल्मों में देखते हैं और सच में जन्नत कहा जाता है कश्मीर को, तो सच में ये किसी जन्नत से तो हमने तो जन्नत देखी नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुकून है कश्मीर में। सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि बार बार वहाँ जाना चाहिए। तो गुलमर्ग का फेज़ वन है, फेज़ टू का टिकट हमारे पास नहीं था, तो अब देखते हैं हम फेज़ टू पे कैसे जाते हैं। सबसे पहले तो हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी और वहाँ पे मुझे दिख गए थे कहवा वाले भैया, तो मैंने कहवा लिया क्योंकि कश्मीर का कहवा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। तो मैं बार बार जहाँ मुझे मिल रहा था मैं पी रही थी, तो हमने लिया। और यहाँ पर हम लोग अभी जा रहे थे कुछ खाने पीने के लिए, देखने के लिए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है खाने के लिए, लेकिन हम लोगों ने नीचे कुछ खाया नहीं था। हमें टैक्सी वाले भैया बोल भी रहे थे कि ऊपर महंगा मिलेगा, आप लोग नीचे खाओ, लेकिन नहीं, हमें तो ऊपर ही खाना था। तो हम लोग जाके अभी कुछ तो खाए के फिर उसके बाद आगे का सफ़र हम लोग फेज़ टू पे कैसे तय करते हैं तो आप लोग देखना, क्योंकि हमारे पास गोंडोला की टिकट नहीं थी। तो फेज़ टू पे हॉर्स भी नहीं जाते, आधे तक जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं अभी कैसे जाते हैं, तब तक आप बने रहिए। रूमीज वर्ल्ड के फैंस जैसे ही दिखाई दी रूमीज वर्ल्ड, मैम करते हुए आ गए यहाँ पे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। और यहाँ पे छोटे छोटे होटल्स बने हुए थे खाने के लिए और बहुत से लोग बाहर होते हैं आपको बुलाने के लिए कि हमारे यहाँ आओ। आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, हम लोगों को भी बहुत कन्फ्यूजन थी कि कहाँ जाए। फिर हम लोग कहीं तो फाइनल चले गए, एक भाई थे वो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे तो हम उनके यहाँ चले गए। और यहाँ पर आप मेन्यू कार्ड देख सकते हो, इतने महंगे, मतलब मैगी के रेट्स आप देख सकते हो, और वेज थाली 500 रुपीज़, और मैगी मोमोज़ के रेट्स आप देख सकते हो। मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। लेकिन क्या करे, भूख लगी तो हमें खाना पड़ा। तो हम लोगों ने वहाँ से वेज पुलाव, नो चिकन पुलाव हम लोगों ने ऑर्डर किया था और चिकन पुलाव खाया। वेज पुलाव तो वेज तो हमसे ज़्यादा खाया नहीं जाता और वहाँ पे तो सारी चीज़ें हलाल होती है, तो आप लोग चिकन मटन खा सकते हो, हलाल हराम का कोई टेंशन नहीं होता। और यहाँ पे हमारे घोड़े रेडी थे, हम लोग घोड़ों से ऊपर तक जाने वाले थे सेकंड फेज़ के लिए, वो भी आधे तक। तो यहाँ पे हम लोग घोड़े अपने अपने चूज़ कर रहे थे और मेरे हस्बैंड को ब्लैक वाला ही घोड़ा चाहिए था, तो वो अंकल बोल रहे थे हमारे पास नहीं है, फिर भी उन्हें कहा चाहिए था ब्लैक वाला, तो उन्होंने ढूंढ के लाया वहाँ पे, मतलब उनके पास था ब्लैक घोड़ा, वो बिज़ी था, किसी और के पास था, तो उन्होंने लेके आया। और इन्हें ब्लैक चाहिए था तो उन्होंने ब्लैक लिया, और मुझे तो कोई भी चलने वाला था तो मैंने कोई भी ले लिया। बहुत ही प्यारे प्यारे घोड़े थे और पूरी ग्रीनरी उसमें, ये घोड़े आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू लग रहा था। और ये अंकल है, पूरे जो गुलमर्ग है उसमें जो घोड़े हैं फेज़ वन में, ये सारे इन्हीं के हैं और यही दूसरे लोगों को काम पर रख के देते हैं, ये हमें बाद में पता चला। और ये मेरा वाला हॉर्स था जो कि बहुत ही प्यारा था और उसका नाम चेतक था। तो हमारा सफ़र शुरू हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे दुआ पढ़ी सफ़र की और हमारी हॉर्स राइड घुड़सवारी शुरू कर दी, और जिसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और वहाँ पे ऐसे रास्ते थे, बीच में इतने पत्थर थे, लेकिन फिर भी ये वाले जो हॉर्स होते हैं वो फुल्ली ट्रेंड होते हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप अकेले भी चला सकते हो। उन्हें पूरा रास्ता पता होता है कि कहाँ से कैसे जाना है, तो वो अपने आप पूरा रास्ता बना के जाते हैं। बीच बीच में इतने सारे पत्थर आते हैं कि चलने की जगह नहीं होती, फिर भी वो लोग बराबर चल के जाते हैं। तो पहले पहले तो हम डर रहे थे, लेकिन फिर बाद में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगा। तो ये हम लोग चारों एक साथ जा रहे थे, वो एक हमारा फ्रेंड था, एक गुफरान है और एक ये है, और मैं आगे थी। तो हम लोग जा रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा किया, मतलब सच में। आप लोगों को भी अगर कश्मीर जाना, मतलब कहीं ऐसे जाना हो ठंडी जगह पे, तो प्लीज़ कश्मीर ही जाओ। कुल्लू मनाली भी ठीक है, लेकिन कश्मीर का कोई मुकाबला नहीं, तो कश्मीर प्लीज़ जाना। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे और जो घोड़े वाले भाई थे वो हमारा वीडियो बना रहे थे, बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है।
और हॉर्स राइडिंग के वो लोग बहुत आपसे पैसे मांगेंगे, आपको बार्गेनिंग करना है यहाँ पे भी। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे बार्गेन किया और हम लोगों को पर पर्सन पड़ा 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ में जाकर आना फेज़ वन से आधे तक, वो आधे तक जहाँ पे थोड़ी बहुत स्नो है वहाँ तक लेके जाते हैं, जहाँ पे वो जो स्नो के राइड्स वगैरह होती हैं वहाँ तक हॉर्स से लेके जाते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको गुलमर्ग जाना है तो आपको फेज़ टू का टिकट लेके जाना ही है। फेज़ टू पे ही ज़्यादा मज़ा आता है, फेज़ टू पे ज़्यादा स्नो होती है। हम लोगों को पता नहीं था तो हमें टिकट नहीं मिली और वहाँ पे ब्लैक में कोई टिकट अवेलेबल नहीं होती है। वो सारा गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट भी मैं नीचे मेंशन कर रही हूँ, आपको उस वेबसाइट पे जाके आपके टिकट्स बुक कराने होते हैं। तो प्लीज़ वो आप अगर जाने वाले होंगे गुलमर्ग में तो गोंडोला का जो सेकंड फेज़ है उसका टिकट पहले से बुक कर ले और जाए। फेज़ वन का और फेज़ टू का दोनों टिकट आपको लेना है और जाना है। तो विंटर में आप अगर जाओगे तो यहाँ पे पूरा स्नो से ढका हुआ होता है, पूरा वाइट होता है। गुलमर्ग में बहुत ही ज़्यादा स्नो पड़ती है, नीचे से ही आपको गाड़ियों को चैन लगा के आना पड़ता है। लेकिन हम लोग ये समर सीज़न में कहते हैं, हम लोग जून एंडिंग में कहते हैं, तो जून एंडिंग में स्नो नहीं होती है, थोड़ी बहुत आपको फेज़ टू में मिलती है। फेज़ वन में बिल्कुल भी स्नो नहीं होती, आप देख सकते हो बिल्कुल भी स्नो नहीं है और पूरी ग्रीनरी है। ये नज़ारे देखने बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं, समर में कश्मीर खूबसूरत लगता ही है, बहुत खूबसूरत लगता है। और अगर विंटर में जाओगे तो पूरा वाइट वाइट के सिवा आपको कुछ नहीं दिखेगा, पूरे पेड़ भी ढके हुए होते हैं। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर तक यहाँ पे स्नो नहीं होती है, बाकी के जो मंथ्स होते हैं अक्टूबर में यहाँ पे स्नोफॉल होने स्टार्ट होता है, दिसंबर जनवरी बहुत ज़्यादा, फरवरी में भी बहुत ज़्यादा स्नो होती है और मई में स्नो मेल्ट होने स्टार्ट होती है। और यहाँ पे हम लोगों को स्नो के नाम पे यहाँ पे लेके आया गया, हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया, यहाँ पे स्नो था ही नहीं। ये तो है ब्लैक आइस, ब्लैक आइस मतलब जो जमी हुई स्नो होती है वो बहुत डेंजरस होती है, उस पर से पैर स्लिप होते हैं और पैर स्लिप होके मैं खुद गिर गई थी वहाँ पे। तो स्नो बिल्कुल भी नहीं था वहाँ पे, वो वही जो ब्लैक आइस में ही कुछ राइड्स करा रहे थे जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने थे, हमें बिल्कुल भी पूरी डिसअपॉइंटमेंट हो गई, बहुत ज़्यादा बुरा लग गया। तो हम लोगों को ऊपर थोड़ा बहुत स्नो दिख रहा था तो हम लोगों ने सोचा हम ट्रैक करके अब जाएंगे, तो हम लोगों ने बिस्मिल्लाह बोल के शुरू कर दिया ट्रैक और हम लोग चल के गए। यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे से हमें शीप्स दिख रहे थे, तो यहाँ पे देखिए आप, मैं बहुत थक रही थी बीच बीच में लेकिन मुझे कुछ भी करके स्नो चाहिए था, तो मैं यहाँ पे ट्रैक कर रही थी। मुझे हस्बैंड मोटिवेट कर रहे थे कि चलो हमें जाना है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और अभी देखते हैं थोड़ा ऊपर जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ब्लैक आइस ही है और वो इतनी स्लिपरी जगह पे थी, अगर हम वहाँ पे उतरे भी तो पूरा सीधा हम लोग नीचे जाएंगे। आप देख सकते हो ये वाले पहाड़ पे, और वहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो गोंडोला के जो केबल है लगे हुए ऊपर तक है, और फेज़ सेकेंड बहुत ही ज़्यादा ऊपर है लेकिन उसकी टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे अब एक बार फिर से कश्मीर जाना है विंटर्स में, लेकिन सबसे पहले मेरा इरादा कुछ और है, अल्लाह कामयाबी दे, आप लोग भी सपोर्ट करना। तो वो होने के बाद मैं फिर से इंशाल्लाह कश्मीर ज़रूर जाऊँगी, कश्मीर तो मुझे जाना है, और अगर अब मैं जाऊँगी तो विंटर में जाऊँगी। तो अगर आपको जाना है तो एक बार विंटर में जाना और एक बार समर में तो ज़रूर जाना, क्योंकि वहाँ की खूबसूरती जो ग्रीनरी है समर में ही देखने मिलेगी। तो यहाँ पे मैं चल रही हूँ, हस्बैंड मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत थक रही थी, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है तो मैं बार बार थक रही थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मैंने ठान ली कि मुझे जाना ही है ऊपर। और यहाँ पे हॉर्स भी नहीं आते, हॉर्स आधे तक ही जाते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हॉर्स, और हॉर्स को भी ऊपर लेके जाने हमें भी अच्छा नहीं लगा कि उनके ऊपर बैठ के हम जाएंगे। तो हम एंजॉय करते करते हम लोग चलते चलते जा रहे थे, यहाँ पे कुछ लोग वहाँ नीचे उतर के फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, लेकिन हमने सोचा हम और ऊपर जाएंगे जहाँ पे थोड़ी और स्नो थी। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। तो बीच बीच में मौसम चेंज हो रहा था, थोड़ी बहुत बारिश आ रही थी और फॉग आ रहा था, बहुत फॉग आ रहा था। उम्मीद वर्ल्ड की ये डिमांड है कि वो तो एथलीट नहीं है, अभी उनका एथलीट बनने का जर्नी है जो अभी स्टार्ट हुई है, लेकिन फिलहाल उनके पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं, तो मैंने उनसे बोला कि आप पूरा पहाड़ चढ़ लेंगे तो मैं आपके पाँव दबाऊंगा, ठीक है, अच्छे से मसाज दूंगा आपको, ठीक है ना, ओके ठीक है। तो हम लोग थोड़ा रेस्ट ले रहे थे, बीच में थोड़ा बैठ रहे थे, थोड़ा रेस्ट लिया और फिर हम लोगों ने सफ़र को फिर से कंटिन्यू किया। और आगे जो गुफरान और पैडी जो है वो आगे चल रहे थे फास्ट फास्ट, मैं थोड़ी स्लो थी इसलिए ये मेरे साथ रुक रहे थे और हम लोग थोड़ा पीछे थे, वो मेरे लिए रुक के स्लो स्लो थे, उनका भरोसा नहीं, वो तो भाग के जल्दी से पहुँच जाते थे, वो तो एथलीट है, उन्हें तो आदत है ये सब चीज़ें करने की, लेकिन मेरा फ़र्स्ट टाइम था, मैं कभी ट्रैकिंग वगैरह पर नहीं जाती तो मैं बहुत थक रही थी। तो वो बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि ठीक है, वो मना भी कर रहे थे कि तुम रुको हम जाके, नहीं मैं आई हूँ, मुझे जाना है कैसे भी करके।
बीच बीच में मैं गिव अप कर रही थी कि बस हो गया, अब मुझसे नहीं हो रहा, तो ये मुझे खींच खींच के लेके जा रहे थे कि अब चलो जाना है। लेकिन सच में बहुत मज़ा आया, वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। अगर हम गोंडोला से जाते 2 मिनट में पहुंच जाते, हमें ये एक्सपीरियंस करने नहीं मिलता जो हमने ट्रैकिंग करके किया है। और बीच बीच में फॉग आ रहा था और बीच बीच में क्लियर हो रहा था, आधा रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया था। ये देखिए मैं नीचे बैठी हूँ और ये ऊपर पहुँच चुके थे, बीच बीच में मैं बहुत रुक रही थी। तो यहाँ से जो फॉग है उसके पीछे पूरा स्नो वाला पहाड़ था, उस पर बीच बीच में स्नो थी, लेकिन बार बार फॉग आ रहा था तो वो व्यू थोड़ा ख़राब हो रहा था। और फॉग क्लियर भी हो रहा था, थोड़ी बहुत बारिश भी आ रही थी वहाँ पे, थोड़ी बहुत हल्की हल्की बारिश लगती है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो अब नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है, जो दुकानें वगैरह थी वो अब कुछ नहीं दिख रही है, हम बहुत ऊपर आ चुके थे। रूमी तू चल सकती है, अरे तो चल ना। ये बीच बीच में जोक्स क्रैक कर रहे थे ताकि मेरा मूड फ्रेश हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो इतने ऊपर ये एक भाई है जिनका नाम मुदस्सर भाई है, हम मिलवाएंगे आपको उनसे। वहाँ पे इनका घर है और यहाँ पे फार्मिंग करते हैं, मतलब घर नहीं है, ये जो समर्स के जो महीने होते हैं यहाँ पे ऊपर आके रहते हैं, क्योंकि नीचे थोड़ा गर्म होता है और ये जो शीप्स होती हैं उन्हें इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है। तो ये भाई जो ये 4 महीने होते हैं यहाँ पे ऊपर आके झोपड़ा बनाते हैं और यहाँ रहते हैं। और इनके इतने सारे शीप्स हैं, मतलब हज़ारों में काउंट है, इतने ज़्यादा शीप्स हैं उनके पास। तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब सबसे रिच आदमी तो वही है और वो ये सब शिप्स पालते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे शिप्स थे यहाँ पे, देखिए मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। कैसे होता है, मुझे भी बकरों का बहुत शौक है और मेरे साथ साथ शादी के पहले बकरों के ज़रा भी पास नहीं जाती थी, अभी देखो शादी के बाद में इसको भी आदत लग गई है और ये भी शिप से बहुत और बकरों से बहुत प्यार करने लगे है, देख सकते हो। ये यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं हमारे मुदस्सिर भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, चल रहे हो हमारे साथ। रुकना। ये आपका बाड़ा है ना मुदस्सिर भाई, यहाँ पे वो फार्मिंग करते हैं, यहाँ पे उनका रहने का नहीं है, गांव तो उनके नीचे है, यहाँ पे वो शिप्स पालते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो शिप्स होती है ना उनके बहुत, उनको बहुत ठंडा क्लाइमेट लगता है, तो नीचे गर्मी होती है तो वो रह नहीं पाते, वो पहाड़ों पर रहने की उनको आदत है, उनको जो जिस तरीके से खाना लगता है, प्रोटीन मिनरल्स फाइबर्स ये सब, उनको जो हेल्दी जो डाइट है उनका वो यहाँ पे पहाड़ों पे मिलता है, इसलिए वो ऊपर रहते हैं। और देख सकते हो यहाँ पे आप मुदस्सिर भाई के डॉग्स भी है, यहाँ के लोकल कश्मीरी ब्रीड के, बहुत ही एग्रेसिव होते हैं और लविंग भी होते हैं, अपने ओनर के बहुत वफादार होते हैं। ठीक है, थैंक यू। इसका कमाल है ये पूंछ की, इधर हमारी जो बहन है ना वो नहीं पूंछ सकती इधर। अच्छा, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी मिलेगी क्या भाई? ऐसे तुम्हारी तरह ऐसे झोपड़ा बना के भी हम रहेंगे फिर भी चलेगा, बस हमें यहाँ रहना है, जन्नत है ये। जन्नत कश्मीर, वही तो जन्नत है। वही तो। किसी और का है जो स्लेज चलाता है ऊपर। ये एक घोड़ा यहाँ पे आ चुका है बेचारे के पैर बंधे हुए, इसके ओनर ने पैर, जो घोड़े भागते हैं ना जो मस्ती करते हैं उनको ऐसे बांध के रखते हैं, फिर वो चढ़ते हैं फिर वहीं पे रहते, ज्यादा दूर नहीं जा पाते, तो अभी परेशान करने आ चुका है यहाँ पे वो मुदस्सिर भाई के लिए, परेशानी बन चुका है वो, बार बार आता है मुदस्सिर भाई उसको भगा देते है वो फिर भी आता है। बोला कि यहाँ जरा रेस्ट करे लेकिन वो नहीं मान रही है, बोली मैं चढ़ूंगी। रूमी हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश। तो देखिए ये मुझे कैसे मोटिवेट कर रहे थे। और आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग कितना ऊपर तक आ चुके हैं, दूर दूर तक कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, फॉग भी है लेकिन कुछ भी नहीं, हम लोग बहुत ऊपर आ चुके थे। वो मुदस्सिर भाई का घर भी हमें नीचे नहीं दिख रहा था, उनका घर भी हम लोग छोड़ के और ऊपर आ गए थे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हम लोग वहाँ पर इतना चढ़े और हमें पता भी नहीं चला। हम लोग नीचे पूछे कि हम लोग वहाँ तक जा सकते हैं क्या, नीचे लोग बोल रहे थे आपको 2 दिन लगेंगे ऐसे वैसे, मतलब उनको ऐसे लगा कि हम लोग क्या एवे ही ऐसे आते हैं ना घूमने के लिए वैसे है, लेकिन उन्हें नहीं पता हम लोग भी कोकण में रहते हैं, हम लोग भी जंगलों में जाते हैं तो हमें भी पता है थोड़ा बहुत। तो हम लोग ने भी हार नहीं मानी, हम लोग ठीक है 2 दिन लगने तो हम लोग जाएंगे। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट हम लोग सेकेंड फेज के नज़दीक ही थे। तो आप लोगों को भी, अगर आप लोगों में ऐसा जज्बा हो गया हमें ये करना ही है तो आप कर सकते हो, बाकी खैर आपकी मर्ज़ी, रिस्क नहीं लेना है, कुछ भी हो सकता है आपको जाते हुए। मेरे साथ ये 3 लोग थे और स्पेशल मेरे हस्बैंड थे जो कि एथलीट है, तो उनके साथ मैं चली गई थी। लेकिन आप लोगों को ऐसे कुछ नहीं करना है, अगर आप लोगों के साथ कोई है ऐसे इंसान जिन्होंने ट्रैकिंग वगैरह पहले की है तो आप जा सकते हो। तो यहाँ हम लोग रुके थे कि थोड़ा मौसम क्लियर हो, फॉग थोड़ा क्लियर हो, तो धीरे धीरे फॉग क्लियर हो रहा था और आप देख सकते हो यहाँ पे हमें स्नो
मिल गई थी थोड़ी बहुत, तो हम सोचे कि इसी से सेटिस्फाई हो लेते हैं, क्योंकि हमें और ऊपर जाना था, क्योंकि वहाँ पे जो है अमरनाथ यात्रा की वजह से 3 बजे के बाद आप गुलमर्ग से श्रीनगर नहीं जा सकते, तो हमें 3 बजे के पहले पहले नीचे जाना था, क्योंकि हम नहीं तो यहाँ पर हमें यहाँ पर रहना पड़ता था टेंट बना के या होटल खरीद के। तो हमने सोचा हम यहाँ यहाँ इसी से सेटिस्फाई हो जाते हैं, यहीं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं। और ऊपर लोग जा रहे थे, लेकिन वो जो दिख रहे ना ऊपर पहाड़, वहाँ तक जाना था, लेकिन फिर हम नहीं जा पाए क्योंकि हमें 3 बजे के पहले नीचे जाना था। तो आप देख सकते हो नीचे शॉप्स वगैरह भी दिख रही हैं, हम लोग इतना ऊपर आ गए थे और यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह अच्छी क्लिक हो सकती थी, इतना थोड़ा बहुत व्यू था, तो हम लोगों ने वहाँ क्लिक की। ये भी ब्लैक आइस ही थी, वहाँ पे जाना रिस्की था, फिर भी हम लोग गए, थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक किए, पैर स्लिप हो रहे थे, अगर आपके शूज़ में अच्छी ग्रिप हो तो पैर टिक रहे थे, तो हम लोगों ने जाके वहाँ पे रील बनाई और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए, और फाइनली थोड़ी बहुत स्नो मिली, जैसी मुझे चाहिए थी खेलने वाली स्नो। वो आपको समर्स में नहीं मिलती, वो आपको विंटर्स में ही मिलती है, तो आपको खेलने वाली स्नो चाहिए तो विंटर्स में जाना, मुझे खेलने वाली स्नो देखना है, तो मैं इंशाल्लाह विंटर्स में ज़रूर जाऊँगी। और ये वाली भी ठीक थी, फ़ोटोज़ क्लिक आए, फ़ोटोज़ में इतना ऐसी ब्लैक आइस नहीं दिख रही थी, लेकिन वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो ये पूरी ब्लैक आइस है, जमी हुई जो स्नो होती है वो है, लेकिन व्यू वर्थ है, व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। हम लोग वहाँ गए, फ़ोटोज़ वगैरह अच्छी क्लिक हो गई, और फिर हम लोग जल्दी ही वहाँ से रिटर्न निकल गए। यहाँ पर हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग नीचे रिटर्न आ रहे थे, चढ़ना जितना मुश्किल था उतरना उतना ही आसान था, जल्दी जल्दी हम लोग नीचे उतर के आ गए, और हमारे जो घोड़े वाले भाई थे वो हमें बुलाने आ गए कि चलो टाइम खत्म हो गया। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो हमेशा ये घोड़े को ये जो नाल है हमेशा चेंज कर, अपने जैसे नाखून बढ़ते हैं ना वैसे घोड़ों के भी नाल बढ़ते, ये नाखून जो है ये बढ़ते हैं, इसको हमेशा क्लीन रखना है, नाल निकाल के इसको कट करना है और फिर इसको नाल लगा के फिर से क्लीन रखना है, ठीक है। माशाल्लाह, तो इन्हें जानवरों से बहुत प्यार है और इन जानवरों की सारी इन्फॉर्मेशन है, तो वो हॉर्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे हमें, क्योंकि हमें वो सब चीज़ नहीं पता थी। और यहाँ पे आप ये सब शीप्स देख रहे हो, ये ऊपर ये इतनी वाइट वाइट जो दिख रहे हैं वो शीप है, और इससे भी कई ज़्यादा मतलब बहुत है, आप देख सकते हो ये थोड़े ही और बहुत ज़्यादा है, ये सारे वो मुदस्सर भाई के हैं, मैंने आपको कहा ना जिनसे मिलवाया छोटा सा झोपड़ा बना के जो रह रहे थे उनके हैं ये सारे। तो हम लोग नीचे अभी आ गए हैं, हम फिर से हॉर्स ये आप देख सकते हो, यहाँ पर जो दुकानें थी वो भी हटवा दी गई है अमरनाथ यात्रा की वजह से, जो है 3 बजे के बाद सारा गुलमर्ग जो है वो बंद कर देते हैं, तो ये सब बंद हो गया है। फिर हम लोग घोड़े से आ गए थे गोंडोला राइड तक, और फिर हम लोग गोंडोला से फिर से नीचे वापसी का सफ़र तय कर लिया। आप देख सकते हो गोंडोला से कितना प्यारा व्यू आ रहा था, तो हम लोग अभी नीचे रिटर्न जाने के लिए बैठ गए थे, और अभी हम नीचे जाएंगे और हमारी कार को ढूंढेंगे और फिर घर के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी कार जो है वो आ गई थी, हम लोग काफ़ी थक गए थे क्योंकि हम लोगों ने इतनी सारी ट्रैकिंग की, तो हम लोग नीचे गुलमर्ग में नीचे घूमने के लिए भी नहीं रुके, वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिसॉर्ट्स हैं, आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हो। आप अगर पैकेज के साथ जाते हो तो जो पैकेज होता है अच्छा वाला वो लोग गुलमर्ग में भी स्टे देते हैं आपको, तो आप वहाँ पर भी स्टे कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे वापसी का सफ़र शुरू कर लिए हैं, यहाँ पे हम लोग रिटर्न निकल गए हैं, और फिर हम देखते हैं घर पे जाके थोड़ा रेस्ट करके फिर से हमें जाना है कहीं अगले गार्डन में, जहाँ पे मुझे कश्मीरी ड्रेस जो है वो प्रॉपर पहन के कश्मीरी लुक में फ़ोटो क्लिक करना था। तो अभी हम देखते हैं, कश्मीरी लुक वाला व्लॉग मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो थैंक यू व्लॉग देखने के लिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।